नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आइए नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इस मैच को भारतीय टीम ने दमदार अंदाज में जीता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 96 रन से हरा कर मेगा इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में लगातार 5वीं बार जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक पदक के बाद वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर बने भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अपने अगले लक्ष्य का खुलासा किया है। श्रीजेश ने कहा है कि उनका सपना अब ओलंपिक पदक का रंग बदलने और विश्व कप जीतने का है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि वह भविष्य में खुद को कोच की भूमिका में देखते हैं। कोरोना से उबरते ही एथलीट्स को ट्रायल का फरमान। 26 मुक्केबाज पिछले हफ्ते ही कोरोना से उबरे। एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों की टीम के लिए 10 से 12 फरवरी को पटियाला में है ट्रायल। भारतीय महिला फुटबॉलर युमनाम कमला देवी ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 29 वर्षीय स्टार फुटबॉलर ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी है। दुनिया के प्रमुख खेल पत्रकारों और प्रशंसकों में से 1300 से अधिक के एक पैनल ने इस साल के लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए 7 श्रेणियों में खिलाड़ियों और टीमों की शॉर्टलिस्ट की है। विजेताओं के नाम की घोषणा दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ज्यूरी द्वारा वोट देने के बाद अप्रैल में की जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन खिलाड़ियों में शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेष्ठ अय्यर और नवदीप सिंह